आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का ज्योग्राफी का जो है टॉप 40 VVI वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, और इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि इनमें से किस राज्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। आप लोगों को इसका ट्रिक पता होगा कि मित्र पर गमछा झार। ठीक है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस लक्षण को जो है भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैदान जो है इसको भौतिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बाह्य क्रोड। ठीक है, आउटर क्रोड जो होता है इसका घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जो चंदन वन है किस तरह के वन के उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पर्णपाती वन। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ये रोजवुड महोगनी, ठीक है, रोजवुड महोगनी जो है वो किस प्रकार के वन हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर, और इसी में तो आपका मेरियाना गर्त है। ठीक है, इसी में विश्व का सबसे गर्त कौन सा है, सबसे अधिक गहराई वाला गर्त, तो मेरियाना गर्त है, और इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित किया है। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं के विवरण तथा व्याख्या से संबंधित है, इसको किसने परिभाषित किया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हेटनर। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो है पवनों का बाएं ओर विक्षेपण होता है, तो किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तितली जो है किस प्रकार प्राकृतिक आपदा से संबंधित है। तो तितली जो है आपका एक बाढ़ से संबंधित आपदा है, सॉरी बाढ़ नहीं हुआ, इसका जो है चक्रवात होगा। ठीक है, 8 का जो ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका चक्रवात सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या चीज़ है। कि ऊपर का जो परत है मिट्टी वाला, ठीक है, तो नष्ट हो रहा है, तो इसके पीछे इसका कारण क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका वायु अपरदन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जो है निवारण, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, इनमें से सभी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन को हम लोग क्या बोलते हैं। सही आंसर हो जाएगा लू। ठीक है, चिनूक के बारे में हम बता दिए हैं कि चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत में चलता है। ठीक है, और ये यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए और कनाडा में चलता है। ठीक है, और ये जो है इसको किस नाम से जानते हैं, हिम जो है हिम हिरणी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फौन के बारे में बता दिए कि ये आल्पस पर्वत के आसपास चलता है। ठीक है, और ये अंगूर की खेती के लिए जो है आपका लाभदायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रमा जो उपग्रह है, तो चंद्रमा किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का जो है चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अच्छा वैसा कौन कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा बुध और आपका शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, मंगल का कौन कौन सा उपग्रह है, तो फोबोस और डीमोस जो है वो आपका मंगल का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस और कौन सा हो जाएगा, डीमोस। ठीक है, और शनि के उपग्रह का नाम क्या है, तो शनि के उपग्रह का नाम है टाइटन। ठीक है, आप लोग इतना जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल मिलकर क्या बनाता है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी और मेंटल मिलकर के जो है स्थल मंडल का निर्माण, लिथोस्फेयर का निर्माण करता है। ठीक है, इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका काली मृदा। ठीक है, काली मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। दक्कन का जो पठार है जो महाराष्ट्र में है वो किससे निर्मित है, काली मृदा से। काली मृदा के लिए कौन सा फसल उपयुक्त है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कपास। ठीक है, काली मृदा को यानी किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो आपका जो है रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। लैटेराइट मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है, तो चाय की फसल के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है बंगाल का शोक कहते हैं। तो बंगाल का शोक हम लोग जो है दामोदर नदी को बोलते हैं। ठीक है, और कोसी जो है इसको बिहार का शोक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जम्मू और कश्मीर की राजधानी, तो जम्मू और कश्मीर की राजधानी तो आप लोगों सभी को पता होगा। ठीक है, कि इसका कहाँ है, श्रीनगर।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि माजुली जो द्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का अगर सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो कौन सा है? माजुली। और माजुली नदी जो है कौन सा नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जो उमानंदा भी है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन हालांकि वो क्वेश्चन अभी तक कहीं पूछा नहीं है और ना पूछेगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है कौन सा हो गया? माजुली। कौन सा नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, ठीक है। और गंगा नदी को जो है आपका बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अठारह है, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो सही आंसर जो होगा इसका 18 का बी सही हो जाएगा, 23.5 डिग्री, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अगला देखिए 19 नंबर, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल के साथ मिलकर के क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों को इसका समीकरण तो पता होगा, CO2+H2O, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या चीज़ है? पर्वतीय वर्षा होती है, तो पर्वतीय वर्षा जो है, ठीक है, वो कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 20 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी घाट में, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? सूखे का कारण है, तो सूखे का कारण क्या चीज़ है? तो सूखे का कारण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरातलीय और भूमिगत जल का अधिक प्रयोग, कि बहुत ज़्यादा हम लोग जो है भूमिगत जल और धरातलीय जल का प्रयोग करते हैं जिस कारण से हमें सूखा का सामना करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति जो है हिमनदी के कार्य से बनता है? ठीक है, तो हिमनदी के कार्य से कौन सा आकृति बनता है? तो इसका जो है सार्क, ठीक है, सार्क टार्न अरेट हार्न, ठीक है, याद रखिएगा, सार्क टार्न अरेट हार्न, ये सब सारा जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? हिमनद के द्वारा ही बनाया जाता है। और गॉर्ज जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? नदी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को आप जरूर याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, तो रासायनिक अपक्षय में क्या से सम्मिलित है? ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है वो भी जरूर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ठीक है, कौन सा चट्टान जो है गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? तो कौन सा चट्टान जो है गर्म द्रव्य के ठंडा होने से बना है? बेसाल्ट चट्टान, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान जो है वो गर्म द्रव्य जो होते हैं लावा, ठीक है, उससे बनता है और ये लावा के ठंडा होने से ही बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जैव विविधता समृद्ध होता है, तो जैव विविधता किस में समृद्ध होता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो महासागरीय जल की जो ऊपर और नीचे गति होती है वो किससे संबंधित है? तरंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से किस में बदल जाता है? जल द्रव से जो है ठोस में बदलता है। तो जब जल जो है द्रव से ठोस में बदलता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघनन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 29, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत, तो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण परत कौन सा है? समताप मंडल, क्योंकि इसी में जो है आपका ओजोन परत पाया जाता है, और ये ओजोन परत क्या करती है? जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है तो इससे हमें रक्षा करती है, ठीक है। और ओजोन परत के अवशेष के पीछे कौन सा जो गैस है वो ज़्यादा हानिकारक है? तो सही आंसर हो जाएगा CFCs, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इनमें से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो आपका जो है इसका हीरा, ठीक है, हीरा जो है एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32, तो क्वेश्चन नंबर 32 है आपके पास, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? आपका मीथेन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी होगा इसमें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प भी होगा और आपका मीथेन भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, दिए गए मानचित्र में कौन सा राज्य दिखाया गया? और यहाँ पर तो मानचित्र है ही नहीं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34,
भारत के रेखांकित मानचित्र पर कौन से जीव मंडल नीचे क्षेत्र दर्शाया गया है, ठीक है। और ये भी जो है आपका मानचित्र से दिया गया है और यहाँ पे जो है मानचित्र है नहीं, ठीक है। तो इसको जो है हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है आपका मानचित्र से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका जो है 35 का आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और 34 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा ही है, ठीक है। याद रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदी तंत्रों के द्वारा होता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज टॉप 35 VBI क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम में बैठने से पहले आप इन सब क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लें, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।